नमस्कार। आज अपन जानेंगे शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूध, शिवलिंग पर अभिषेक किया हुआ दूध को आखिर इंसानों को पीने के लिए क्यों नहीं दिया जाता है? इंसानों को तो छोड़िए, जीव जंतु जानवर किसी को भी पीने के लिए नहीं दिया जाता है। वॉट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का लॉजिक आपको पता है? बहुत से सेकुलर लोग तो इसकी मजाक उड़ाते हैं। आपने पी के मूवी देखी होगी, उसमें मजाक उड़ाया गया भगवान शिव के नाम पर कि भगवान शिवलिंग जो होते हैं ना, उनके ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, ये सारा दूध वेस्ट जाता है। इससे अच्छा तो किसी गरीब को पीने के लिए दिया जाए, किसी जीव जंतु को पीने के लिए दिया जाए। भगवान शिव का अपमान किया गया उस मूवी में, और बहुत से सेकुलर लोग भी तो आज भी मजाक उड़ाते हैं कि भगवान शिवलिंग पर अगर दूध चढ़ाए तो उससे क्या होता है, ये दूध तो सारा वेस्ट होता है, इससे अच्छा तो किसी गरीब को पीने के लिए दिया जाए। लेकिन जो मजाक उड़ाते हैं ना, उनको इसके पीछे की साइंस पता नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक पता नहीं कि आखिर शिवलिंग के ऊपर दूध का अभिषेक क्यों किया जाता है, जल का अभिषेक क्यों किया जाता है, दही का अभिषेक क्यों किया जाता है। वो कहते हैं कि दूध दही जल सारा वेस्ट जाता है, इससे अच्छा तो गरीबों को दो। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे दो कारण हैं। आखिर शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूध जल दही लोगों को पीने के लिए क्यों नहीं दिया जाता, जीव जंतु को पीने के लिए क्यों नहीं दिया जाता है? इसके बनिस्पत जब श्री कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है उनको, तो वह पंचामृत लोगों को पीने के लिए दिया जाता है। तो इसके जस्ट उल्टा शिवजी को चढ़ाया हुआ दूध लोगों को पीने के लिए क्यों नहीं दिया जाता? लेकिन आज जो मजाक उड़ाते हैं ना, उनको मैं जवाब दूंगा विद साइंटिफिक रीजन के साथ में। आप क्या सोचते हैं कि सदियों से, पुराणों से, ऋषि मुनि आदि अनंत काल से भगवान शिवलिंग पर दूध का अभिषेक कर रहे हैं, जल का अभिषेक कर रहे हैं, तय का अभिषेक करते हैं, क्या वो सब मूर्ख थे? नो नेवर। क्या वो सिर्फ एक परंपरा का पालन कर रहे थे? नो नेवर। वो मूर्ख नहीं थे, मूर्ख तो हम हैं जो इस परंपरा का मजाक उड़ाते हैं, बिना ही सच्चाई, बिना सच्चाई जाने, बिना साइंटिफिक रीजन जाने। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस कारण से, ये दो कारण हैं, इसके कारण से इंसानों को वो दूध दही जल पीने के लिए नहीं दिया जाता है, नहीं जीव जंतु को दिया जाता है। नंबर वन, आपने शिव महापुराण पढ़ा होगा, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, जब सभी देवी देवता थक हार गए कि इस विष को कौन धारण करेगा, अगर इस विष को धारण नहीं किया तो इस सृष्टि का विनाश हो सकता है, तब भगवान शिव आगे आते हैं और उस विष को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। और जब वो विष को कंठ में धारण करते हैं ना, और जो समुद्र मंथन हो रहा होता है, हो रहा होता है ना, उस वक्त सावन का महीना चल रहा होता है, जब वो विष को कंठ में धारण करते हैं ना, तो उस विष की गर्मी बहुत होती है, उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को दूध से अभिषेक किया जाता है, भगवान शिव के ऊपर दही चढ़ाया जाता है। उससे क्या होता है, उससे भगवान शिव के जो कंठ में जो वो जहर होता है, वो विष होता है, जलन करता है ना, वो शांत होता है। तो जब आप, पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान शिव के ऊपर आप दूध चढ़ाओगे, दही चढ़ाओगे, जल चढ़ाओगे ना, तो उसमें जहर की मात्रा मिली जाती है, इसी कारण से वो दूध दही जल जीव जंतु और मनुष्य को पीने के लिए नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो शिवलिंग के ऊपर होते हुए गुजरते हुए निकलता है दूध दही, तो उसमें वो जहर की मात्रा मिल जाती है, वो दूध दही भगवान के कंठ को शांत करने के लिए, उस जलन को शांत करने के लिए चढ़ाया जाता है। यह तो पौराणिक मान्यताओं में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसका साइंटिफिक रीजन देखोगे, स्वयं नासा ने भी माना है, और आज वो साइंटिफिक रीजन भी देख लेना, और जो सेकुलर लोग हैं उनको भी ये साइंटिफिक रीजन देखना होगा, और देख लेना
किस कारण से शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ दूध दही जल लोगों को पीने के लिए क्यों नहीं दिया जाता है? भगवान शिव का एक नाम व्योमकेश भी है। व्योमकेश का मतलब क्या पता है आपको? व्योमकेश का मतलब होता है अंतरिक्ष, ब्रह्मांड। भगवान शिव को ब्रह्मांड का स्वामी भी कहा जाता है। कहते हैं ना भगवान के तीसरा नेत्र होता है ना, जब वो खुलता है ना तो पूरे ब्रह्मांड में तबाही आ सकती है। इसलिए भगवान शिव को ब्रह्मांड का स्वामी भी कहा जाता है। खुद नासा ने माना है। नासा एक स्पेस एजेंसी है यूएस अमेरिका की, विश्व की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाली अंतरिक्ष के बारे में नासा एजेंसी, उसने खुद ने माना है भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंग के नीचे जमीन के नीचे रेडियो एक्टिव एनर्जी पाई जाती है। यह कोई मैं बनावटी बात या मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट के साथ में बात करूं, फैक्ट के साथ में। खुद नासा ने माना है कि जितने भी ज्योतिर्लिंग है भारत में उसके नीचे जमीन के नीचे रेडियो एक्टिव एनर्जी पाई जाती है। और यह भी कहा जाता है कि अगर अगर यह धरती पर अगर ज्योतिर्लिंग नहीं होते ना तो यह धरती नहीं होती। यह ज्योतिर्लिंग इस धरती का संतुलन बना रहे हैं। अगर यह ज्योतिर्लिंग ना होना तो इस धरती नष्ट हो सकती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर रेडियो एक्टिव एनर्जी को शांत न किया जाए तो यह पूरी पृथ्वी पर प्रलय मचा सकती है। खुद नासा के वैज्ञानिक कहते हैं अगर इस रेडियो एक्टिव एनर्जी को शांत न किया जाए ना तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय मचाई जा सकती है। दूध रेडियो एक्टिव एनर्जी को हानिकारक होने से रोकता है। अब सेकुलर लोग देखना जो कहते हैं ना कि दूध वेस्ट होता है, अगर आप शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के ऊपर दूध नहीं चढ़ाओगे ना शिवलिंग के ऊपर तो आप इस दुनिया में जिंदा नहीं रहोगे, इस पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। दूध रेडियो एक्टिव एनर्जी को हानिकारक होने से रोकता है। जब रेडियो एक्टिव एनर्जी से युक्त दूध नदियों में जाता है तो उन्हें शुद्ध करने का काम करता है। जब आप दूध दही जल भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो ना तब ये रेडियो एक्टिव एनर्जी से दूध जल दही जब नदियों में जाता है ना तो उन नदियों को शुद्ध करने का काम करता है। जिन नदियों में लाखों गैलन कारखानों का केमिकल मिलाया जाता है फिर भी नदियां जहरीली नहीं हुई। पता है भारत की नदियों में कितना केमिकल जाता है इंडस्ट्रीज का, फिर भी आज दिन तक वो नदियां गंदी नहीं हुई, मेली नहीं हुई, उनका पानी आज भी पीने लायक है। क्यों? क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव युक्त जो दूध जल दही इन नदियों में मिलता है और ये इन नदियों को साफ करने का काम करता है। लेकिन यही दूध मनुष्य के लिए हानिकारक है। अगर यही दूध मनुष्य पिए या जीव जंतु पिए उसको चढ़ा हुआ दूध दही जल तो मनुष्य के लिए और जीव जंतु के लिए हानिकारक बताया गया। तो आपको यह देखना होगा, इन सेकुलर लोगों को देखना होगा कि दूध वेस्ट नहीं किया जाता है। दूध का अभिषेक करने से इस सृष्टि पर प्रलय आने पर बचाया जाता है, इस रेडियो एक्टिव एनर्जी को शांत किया जाता है। तो इस कारण से भगवान शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूध जल दही मनुष्य को पीने के लिए नहीं दिया जाता है, जीव जंतु को पीने के लिए नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह हानिकारक होता है। लेकिन यही दूध अगर नदियों में जाता है तो उन नदियों को जो मेली नदियां होती है ना उनको साफ करने का काम करता है और जमीन के नीचे ये जो रेडियो एक्टिव एनर्जी होती है ना उसको शांत करने का काम करता है।